बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इसकी मीनिंग के बारे में बताया था। लेट्स टेक अ बर्ड आई व्यू ऑफ दिस मीनिंग अगेन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? इंसानों की, जानवरों की या चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह पर नकलो हरकत करना या जाना या सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करना। ओके, इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैड लर्न्ड अबाउट दीज टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस एंड कार, बस एंड कार। नाउ इन दिस वीडियो we are going to learn about these three means of transportation. Van, v and van. The phonics of van is v and van, v and van. Bike, the phonics of bike is b ike bike, b ike bike, b ike bike. Ship, the phonic of ship is sh ip ship, sh ip ship, sh ip ship. G students, what is this? Look at this picture carefully and tell me which picture is this. Who will tell me, students? Yes, it is a van. It is a van. वैन क्या होती है? जिसमें बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स वैन में स्कूल आते हैं ना, वैन वाले अंकल के साथ आप स्कूल आते हैं, वैन में बैठ के आप स्कूल आते हैं ना, वैन गोइंग्स होते हैं जो। तो ये क्या है? वैन। ये क्या हेल्प करती है हमें? एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। ये भी हमारी ट्रैवलिंग करने में मदद देती है। ओके जी स्टूडेंट्स, सो द वैन इज ऑल्सो आ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हेल्प करती है। वैन इज ऑल्सो आ रोड ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट है जो कहाँ पे चलती है? रोड पर चलती है। कहाँ चलती है स्टूडेंट्स? रोड पर चलती है। इट्स अ रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, एनीवन नोज हाउ मेनी व्हील्स अ वैन हैज? पता है किसी को कि वैन के कितने व्हील्स होते हैं? यस, वेरी गुड। वैन ऑल्सो हैज फोर व्हील्स, टू इन फ्रंट एंड टू एट बैक। टू आगे होते हैं और टू इसके पीछे होते हैं। इट ऑल्सो हैज फोर व्हील्स। हाउ मैनी व्हील्स अ वैन हैज स्टूडेंट्स? यस, अ वैन हैज फोर व्हील्स। अ वैन हैज फोर व्हील्स। हाउ मैनी व्हील्स अ वैन हैज? अ वैन हैज फोर व्हील्स। ओके, come to the next picture. It is a bike. It is a bike. Let me tell you the phonics of bike. B I bike, B I bike, B I bike. Spell bike. B I K E bike, B I K E bike, B I K E bike. Spell bike. B I K E bike, bike. Bike is a personal transport. It is a personal transport. क्योंकि ये सबके पास अपनी अपनी होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? Personal transport. And how many wheels a bike has? Do you know students? Tell me. Yes, very good. A bike has two wheels. A bike has two wheels. How many wheels a bike has? A bike has two wheels. One is in front and one is at back. A bike has two wheels. It's also a road transport. ये भी road पर चलती है, सड़क पर चलती है. So, a bike is also a road transport. A bike is also a road transport. इस पे कितने लोग बैठते हैं? Do you know? Yes, इस पे दो लोग बैठते हैं. कितने लोग बैठते हैं? दो लोग बैठते हैं. Two people can sit on the bike. कितने लोग बैठते हैं इस पे? टू पीपल. ओके, इट्स ऑल्सो अ रोड ट्रांसपोर्ट. बाइक, बी आई के ई बाइक, बी आई के ई बाइक.
सो कितने लोग बैठते हैं बाइक पे? टू पीपल्स बैठ टू पीपल्स कैन सिट ऑन बाइक. इट्स अ पर्सनल ट्रांसपोर्ट. सबकी अपनी अपनी होती है, सबके बाबा के पास अपनी अपनी बाइक होती है. इट्स अ पर्सनल ट्रांसपोर्ट. इट्स ऑल्सो अ रोड ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो बाइक, ब आई बाइक, बी आई के ई बाइक, बी आई के ई बाइक. Come to the next picture. It is a ship. Do you know what is it? Students, do you know what is it? It is a ship. ये क्या होता है? Ship होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? Ship. It is a water transport. ये क्या होता है? पानी में चलता है. It is a water transport. समुंदर में चलता है, दरिया में चलता है. इट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट. पानी में चलता है शिप. और ये बहुत बड़ा होता है. इसमें हम इसमें लोग भी बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं. और इसमें हम अपनी चीज़ों को भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, वन कंट्री से एन अदर कंट्री में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. और ये किस में चलता है? इट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट. इट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट. Ship. Ship is a water transport. Let me tell you the phonics of ship. Sh, ip, ship. Sh, ip, ship. Sh, ip, ship. Spell ship. S-H-I-P, ship. S-H-I-P, ship. S-H-I-P, ship. Okay, students. We have learned about five means of transport. Bus, car, van, bike, ship. Learn after me five times, students. Bus, car, van, bike, ship. Bus, car, van, bike, ship. Bus, car, van, bike, ship. Spell bus, B-U-S, bus. Spell car, C-A-R, car. Spell van, V-A-N, van. Spell bike, B-I-K-E, bike. Spell ship, S-H-I-P, ship. Instructions for mother. Do practice of this concept again and again. अपने बच्चे को इस concept की बार बार practice करवाएं. Make sure that your child has got command on this concept. Then move to the next. पहले इस चीज़ की confirmation कर लें कि आपके बच्चे को ये concept बहुत अच्छे से आ गया है. फिर next lecture पे move करें. Thank you so much. Allah Hafiz.